हेलो, हाउ आर यू? हेलो। एकदम बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं बढ़िया ब्रदर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम जो आपने मुझे टाइम दिया इस सेशन के लिए। मतलब काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था। पहले भी एक बार ट्राई किया था तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड आने के लिए इस सेशन के अंदर। आई थिंक आपका ये फर्स्ट लाइव होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। आप यूट्यूब के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एग्जैक्टली मैं ऐसा, मतलब जो ये एक्सपीरियंस है ना किसी के साथ लाइव करने का, ये फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, इसलिए अगर कोई गलती होगी तो माफ सबसे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एक क्विक इंट्रो के साथ, बिकॉज मेरी ऑडियंस में से कुछ लोग जो है आपको नहीं जानते, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग तो जानते हैं जो यूट्यूब जो है वो यूट्यूब पे एक्टिव है। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो मेरा नाम है जीशान शेख। मेरा यूट्यूब पे एक दो दो चैनल है हमारे जो चल रहे हैं, एक्चुअली तीन चार चैनल है, बट अभी दो आप लोगों को शायद अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक सीकन सीकन नाम से है, SEEKN, जिसपे हमारे अराउंड अभी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और एक हमारा है सीकन जिज्ञासा, जो साइंस रिलेटेड वीडियोज जिसमें आते हैं, उसमें 3 लाख के ऊपर, 3.5 लाख के आसपास के सब्सक्राइबर्स है। और मैं आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजों से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस अर्निंग और ये सारी चीजों से रिलेटेड काफी इंटरेस्टेड हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग और आजकल आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करिए। मेरा बेसिकली अपनी लाइफ में मैंने जो स्टार्ट किया, जो ऑनलाइन करना हर चीज, एक चीज वो सब मैंने बुक्स के रिलेटेड किया। सीकेन जो चैनल है जिसपे मैं हमेशा बुक की समरीज बताता हूँ, बिकॉज आई बिलीव, अच्छा शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं देना था, बट मैं लॉन्ग नहीं चालू नहीं पढ़ रहा चलेगा। मैं बुक्स शॉर्ट में बोले तो सीकेन पे मैं बुक्स की समरीज हर संडे को लेके आता हूँ, बुक्स की बातें लोगों को सिखाता हूँ, ताकि बिना बुक्स पढ़े लोगों को बुक्स की अमेजिंग नॉलेज सीखने मिलती रहे। ओके, सो जैसा सबको पता है कि सीकेन का तो मतलब इंडिया से मतलब टॉप चैनल में आता है जो बुक समरीज क्रिएट करता है। आई थिंक वो सबसे टॉप पे ही है इस टाइम पे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है तो वैसे है काफी वन ऑफ द टॉप चैनल्स में ही है। एक गीगल है, बहुत अच्छा चैनल है वो भी, ये बुक भी है, ऐसे कई सारे अभी काफी सारे चैनल्स आ गए हैं जो बुक समरी नीच में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसके बाद एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी, जैसे आपने कैसे स्टार्ट करी बुक समरी के अंदर, आप एक ऐसा आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया जो मतलब कई सारे, मतलब जब मैंने देखा था, मैंने ऑलमोस्ट 2013-14 के बाद मैंने यूट्यूब को एक बार देखा था, तो वहां पे मैक्सिमम जो क्रिएटर्स थे वो टेक की तरफ जा रहे थे, बट आपने फिर बुक समरी स्टार्ट करी। तो उसकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी बुक समरी क्रिएट करना यूट्यूब के ऊपर? मुझे मुझे याद है जब मैं, मतलब जब स्टार्ट भी कर रहा था ना, तब मैं जब यूट्यूब खोलता था तो मुझे ज्यादातर कैसे कंटेंट आते थे जो ज्यादातर लाइक प्रैंक्स रिलेटेड होते थे, फनी रिलेटेड होते थे, लड़कियों से रिलेटेड होते थे, ये सारी चीजें तब है ना, 2014 आई थिंक, 2015 में मैंने स्टार्ट किया था। 2015 के आसपास ये सारे कॉन्टेंट ज्यादा चलते थे। और तब तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं अपने थर्ड ईयर में था और मेरा एक डांस ग्रुप था, हम लोग थोड़ा डांस में तब मुझे काफी इंटरेस्ट था, अभी भी है बट पहले बहुत था। तब तो हम डांस ग्रुप का एक पार्ट था, हम कॉलेज में परफॉर्म करते थे, तो जो डांस ग्रुप रहता है वो बेसिकली कैसा, सीनियर भी होते थे, जूनियर भी होते थे, सब मिक्स था। तो जो मेरे सीनियर्स थे उनमें काफी सारे लोग स्कॉलर्स थे और काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई में भी थे, और क्योंकि वो हम लोग से सीनियर थे तो 4th ईयर उन्होंने पास कर लिया था अच्छे मार्क्स से। और उन्होंने मुझे बताया था कि यार अच्छे मार्क्स से पास हो गया हूँ, हम लोग की क्लास के जो टॉपर्स टॉपर्स है, लाइक मैं वो सिविल फील्ड के थे, या कोई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी, एक मैकेनिकल का था, एक सिविल का था, ऐसे अलग अलग फील्ड के बंदे थे। तो वो लोग ने बताया कि यार इंजीनियरिंग में कुछ है नहीं यार, मतलब इतना हम लोग ने किए, इतने अच्छे मार्क्स लाए, टॉप भी मारे हैं हमारे इधर के बच्चे, लेकिन वो लोग को स्टिल जॉब्स नहीं मिल रही है। वो लोग जॉब जा रहे हैं तो सब लोग कहाँ घुमा फिरा के ना, लोग को जॉब अगर मिल भी रही थी तो सिर्फ IT सेक्टर में मिल रही थी, कोडिंग, मतलब आपने जितना 4 साल से पढ़ा है वो सब वेस्ट है। आप जाओगे तो आपको वापिस से न्यू ट्रेनिंग दी जाएगी, कोडिंग करना सिखाया जाएगा और उधर जाके आप काम करोगे तो आपको मिलेगा। तो मुझे रियलाइज हुआ, तो मुझे हिट हुआ कि यार क्या कर रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में। पहली बात तो ये भी था कि यार मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन रहा था जरा भी। वो जो 3-4 दिन की छुट्टियां मिलती थी एग्जाम्स होने से पहले, इंजीनियरिंग में आप देखे हो अगर हमारे टाइम पर होता था, आई डोंट नो, कि हर एग्जाम के बाद ना 4-5 दिन की छुट्टी मिलती थी फिर एग्जाम होता था। तो मेरी जो पढ़ाई और मेरा जो पूरा पास होना था ना वो छुट्टी पे ही डिपेंडेंट था। वो 3-4 दिन की छुट्टी में जो पढ़ता था वो पढ़ता था और फिर पास हो जाता था। तो नेम से एक, बस बोलने का मकसद ये है कि बस नेम से एक इंजीनियर बन रहा था और बन भी रहा था, बट मुझे समझ में आई नहीं यार मैं इंजीनियर में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और ना कुछ फील्ड में जॉब है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ करियर नहीं है। बोलते ना सक्सेस, सक्सेस अचीव करने के लिए इंजीनियरिंग, समझ में आया कि नहीं इंजीनियरिंग सही चीज नहीं है। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सी चीजें एक्चुअली सक्सेसफुल बनाती है इंसान को। तो मैंने कॉमन पैटर्न जो देखा, कॉमन चीज जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ज्यादातर आप देखना मैक्सिमम लोग, 99% बोल सकते हो, जो सबसे
हाई अचीवर्स होते हैं वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग किसी ना किसी चीज का बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके वो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा यार मेरे को भी फिर बिजनेस ही करना चाहिए, अब सब कर रहे हैं और सबको सक्सेस मिल रही है तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने ये चीज समझी कि हाँ बिजनेस करना। अब बिजनेस करने के लिए मैंने सोचा कि बिजनेसमैन कैसे सक्सेसफुल बनते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये आया। तो बिजनेसमैन का मैंने देखा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक हैबिट थी जो बिजनेसमैन में होती है वो होती है रीडिंग की हैबिट। आप देखो इलॉन मस्क देख लो, आप जेफ बेजोस देख लो, आप जितने मार्क जुकरबर्ग देख लो, वॉरेन बफेट देख लो, ये जितने भी लोग बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं जिंदगी में वो सारे लोग है ना बहुत अच्छे रीडर्स है, वो लोग हमेशा रीड करते रहते हैं। बिल गेट्स का तो अभी भी बुक क्लब चलता है, वो लोग अभी भी रीड करते रहते हैं, हमेशा हाँ सीखते रहते हैं। तो ये एक कॉमन चीज थी, तो मैंने बोला अगर उनके अंदर है तो यार मुझे भी करनी चाहिए। जब वो इतने समझदार होने के बाद भी हर बार बार बुक्स पढ़ रहे तो मैं कौन, मेरे को भी पढ़ना ही चाहिए। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ एक्चुअली आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको शायद एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना होगा, मेरे को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या जो भी चीज बनना है, हर एक चीज ऑलरेडी किसी ना करके रखा है लाइफ में। आज हमें जो प्रॉब्लम आ रही है यस वो ऑलरेडी फेस करके रखा है और उसका सोल्यूशन भी निकाल के रखा है। और वो लोग क्या करते हैं यूजुअली, जो लोग बुक्स में जब कोई बंदा बुक लिखने जाता है ना तो अब चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे और अपनी सारी चीजें वो लिख देता है ताकि वो बुक अच्छी बन सके। तो यूजुअली जितने भी अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग अपने सारे सीक्रेट्स बहुत अच्छे से, स्पेशली बाहर वाले लोगों के अंदर तो ये बहुत होता है कि वो लोग जो भी चीज सीखते हैं वो सब चीज वो लोग शेयर करते हैं। तो बुक्स में यूजुअली वो अपनी सारी सीक्रेट्स, अपने सारे शॉर्टकट्स कि जिससे आप सीख के उनकी तरह ही सक्सेस अचीव कर सकते हो वो सब शेयर करते हैं। तो वो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली ये लाइफ चेंजिंग चीज थी, विजडम थी। अभी आप आपने सुना होगा ना कि अगर आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो आपके पास मेंटर्स होने चाहिए, है ना। बट हाँ अभी यूजुअली कैसा होता है कि मैं जब था मेंटर्स मिलेंगे कहाँ से यार, क्योंकि मेंटर्स जो होते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, लोग बड़े बड़े काम करते हैं, उनके पास टाइम थोड़ी ना रहेगा कि हमारे पास हमसे मिलेंगे, हमसे एक एक क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो उस चीज का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ये था कि यार आप बुक पढ़ो, बुक भी काइंड ऑफ योर मेंटर्स है जो वर्चुअली, वर्चुअली बोलो ना, वर्चुअली तो नहीं मतलब वर्चुअली भी मिलते हैं, बट डायरेक्टली आप उनकी बुक पढ़ के डायरेक्टली उनकी सारी बातें सीख सकते हो। तो एट द एंड आपका मेंटर आपके हाथ में ही रहता है जो आपको धीरे धीरे एग्जैक्टली तो नहीं गाइड कर सकता है, बट आप अगर फ्रीक्वेंट रीडर बन जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है बुक से। एक क्वेश्चन अभी बार बार आ रहा है कमेंट सेक्शन में कि सी के नाम आपने कैसे रखा, कैसे इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो मेरा जो इनिशियल्स है ना वो शेख कुतुबुद्दीन है, और तो एस हाँ और के, और जो मेरी वाइफ भी है उसका नाम भी एस से आता है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था यार एस और के से दोनों चीज से मिला के आपको कुछ रखना चाहिए। तो सी मतलब होता है, सी के तो पता ही आप देखो सी, और देखो कैन का मतलब होता है वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ऐसा कुछ बनाने, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा हटके रहा है। तो सी कैन मतलब ये बनता है कि देखो वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जिसमें मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि आप मेंटर्स और बुक्स की जो रेंज ऑफ नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है उसे देखो। तो सी कैन का मतलब ये होता है। ओके ओके। सो एक क्वेश्चन ये आता है, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो बुक को फटाफट फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पेन पेंसिल लेके बैठते हैं एंड एक एक वर्ड को मार्क करते हैं एंड देन वो लिखते हैं। तो ये क्या मेथड होना चाहिए एक्चुअल में, क्या वो एक एक वर्ड को मार्क करके पढ़ने वाला या फिर क्विकली फटाफट जो है रीड कर लें। मेरे हिसाब से देखो पहले बात तो आपको बुक सिलेक्ट करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा आप एग्जैक्टली बुक क्यों पढ़ रहे हो। कोई भी स्टार्ट विथ वाई साइमन सिनक की जो बुक है वो हमेशा बोलती है कि यूजुअली लोग किस पे ज्यादा फोकस करते हैं पता है, हाउ और व्हाट, मतलब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बट ये क्वेश्चन, और ये हर चीज के लिए, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, कि यार मुझे क्या करना चाहिए, हाँ मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, हाँ मुझे पढ़ाई करके रट्टा मार के करना चाहिए या फर्स्ट आके करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वाई मैं कर रहा क्यों हूँ ये चीज, क्या इससे एग्जैक्टली मुझे फायदा होगा। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पैसे कमाना है, लेकिन पैसे कमाने के तो और भी 10 तरीके हैं, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों चूज कर रहे हो आप? आप वो क्यों नहीं चूज कर रहे जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट है, जो चीज सच में आपको करने मजा आती है। तो बेसिकली मतलब ये है कि आप जो भी चीज करते हो पहले वाई डिसाइड कर लो। तो अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक बुक है, ये है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को क्योंकि मुझे सीखना है कि मैं कैसे लोगों को पर्सुएट कर सकता हूँ, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीज के लिए नहीं। लोग करते हैं, अब इसके अंदर एक बुक में बताया गया कि कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कैसे लोगों को गलत तरीके से भी इन्फ्लुएंस करती है, अच्छे तरीके से भी करती है, लेकिन कैसे, अगर आप ये चीज सीख लोगे तो आपको, आपको सोचो कितना इसमें बिजनेस में आपको, क्योंकि हम सब कैसे ह्यूमंस सोशल और इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं, हम लोग का एक पैटर्न होता इमोशंस। है, एक हाँ साइकोलॉजी होती है, हम उसके हिसाब से ही चीजें करते हैं। तो ये बुक में आप सीख सकते हो कि कैसे एक इंसान बिहेव करता है ताकि ताकि कल को अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हो या फिर इवन आप क्रिएटर बनते हो तो आप लोगों की साइकोलॉजी समझ के उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ताकि वो आपके वीडियोस ज्यादा देखे, ताकि आपकी बातें वो ज्यादा सुने।
तो ऐसे अगर आपका वाई क्लियर रहेगा, अगर मैंने आपका वाई बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि भाई क्यों पढ़ना है ये बुक को, आपको अगर हिट हो गया वो चीज और आपको समझ में आ गया हाँ मुझे इसलिए पढ़ना है, तो ये चीज फिर पढ़ने के लिए आप ना जैसा आपका मन करे, अगर आपका मन करेगा कि यानी ये बहुत सच में बहुत वैल्यूएबल बुक है तो मैं एकदम आराम से पढ़ता हूँ उसको, क्योंकि मुझे इसकी बात हर एक बात ऑब्जॉर्व करनी है ताकि मैं अपने बिजनेस में इसको अच्छे से अप्लाई कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ कोई बंदा रहेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा है कि यार ठीक है इसकी कुछ कुछ बातें मैंने ऑलरेडी सीख के रखी है, बहुत सी बातें इसकी मेरे को ऑलरेडी पता ही है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको फास्ट फास्ट पढ़ के ना देख लेता हूँ कि कुछ नया मुझे सीखने मिलता है क्या। अगेन अगर आपको फास्ट पढ़ना है आपको स्लो पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्यों पढ़ना है और किस कैसे आपको बेस्ट इसका आउटपुट मिल सकता है, इस बुक की बेस्ट तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपने जो क्वेश्चन पूछा वो हाउ पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपके ऊपर है, आपको जैसा अच्छा लगता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए कई बार बुक्स पढ़ना, मैं भी खुद भी 5-6-7 साल हो गया, 6-7 साल हो गया, बट मैं भी मेरे को भी आज हर दिन ऐसा बुक पढ़ने का एकदम एग्जैक्टली हमेशा टाइम ना मिले, बट ना मैं कैसा होता है कभी ना कभी मैंने ऑडियो बुक सुनी लेता हूँ, ऑडियो बुक सुनने का मैंने एक रिवाज बना लिया, कहीं से यहाँ से यहाँ जाना है तो मैंने ऑडियो बुक स्टार्ट कर लिया, मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, मतलब मेरा जो हाउ है वो चेंज होते रहता है, लेकिन मेरा वाई क्लियर है कि हाँ मुझे बुक पढ़ना ही है ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रो हो सकूं, ताकि मैं नई चीजें सीखता रहूँ और रेलिवेंट रह सकूँ आज के टाइम पे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आप भी हाउ पे फोकस मत करो, सिर्फ वाई पे फोकस करो और जैसे आपको सही लगता है, चाहे वो ऑडियो बुक हो चाहे समरीज हो, समरीज लेकिन एक चीज है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ समरीज अगर आप देख लोगे तो आपको बुक की बात समझ में आ गई, बट ऐसा नहीं है। अभी देख लो आप इसके अंदर कितने सारे पेजेस है, समरी में यूजुअली मैं शायद 3-4-5 पेजेस की बात ही शायद थोड़ा ठीक से बता पाता रहूंगा वो भी, तो उसको आप ट्रेलर जैसा समझो और जाके अगर बुक पसंद आती तो उसको जाके पढ़ो। या समरीज में मैक्सिमम टाइम जो पॉइंट वाइज जो है डिस्कशन होता है, पॉइंट वाइज चीजें दी जाती है ऊपर ऊपर से। अभी जैसे कि एक दूध दूध का ग्लास है समझो, ठीक है, तो है ना समरी कैसे होती है ना, वो दूध के ऊपर की मलाई जैसी होती है, जो सिर्फ अगर आप ज्यादा सिर्फ वही खाते रहोगे तो आप मोटे हो जाओगे, एक्चुअल में आपको कैल्शियम इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मोटे होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसका एक्चुअल दूध का फायदा हो तो आपको पूरा दूध पीना चाहिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बुक्स पढ़ने के बाद ही जो आ सकते हैं। एक क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि एक बार एक तो टाइम अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो ऑडियो बुक जो है वो सुन सकता है, या फिर वो अगर उसके पास प्रॉपर टाइम है तो वो बुक रीड करे, तो दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर है। दोनों में कोई डिफरेंसेस होते हैं या फिर पढ़ सकते हैं? हर एक चीज का ना मेरे हिसाब से एक अलग फील होता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप है ना मूवीज को आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, आप उसको घर पे बड़ी टीवी पे भी देख सकते हो, आप थिएटर में भी देख सकते हो, हर चीज का एक अलग फील आता है। बट अगर मोटे मोटे हिसाब में मैं बात करूँ ना कि भाई तो तुमको जो मोबाइल पे देख रहा है उसको भी मालूम है क्या हुआ है, जो थिएटर में देख रहा है उसको भी मालूम है क्या हुआ है, लेकिन कई बार जो थिएटर में देखता है उसको बहुत अलग तरीके लेवल पे ही इन्फ्लुएंस होता है, उसको एक अलग ही लेवल पे। अगर कॉमेडी मूवी भी आप देखो, मैंने बहुत बार नोटिस किया ये चीज, शायद आपने भी नोटिस करी होगी, कुछ कुछ मूवीज देखना मोबाइल पे देखो इतनी हंसी नहीं आएगी, इतना मजा नहीं आएगा वही, लेकिन थिएटर में आओ अरे हार क्या हंस, और बाद में अगर आप वही मोबाइल पे देखो नहीं इतना फनी भी नहीं था, क्यों हंस रहा था मैं इतना थिएटर में, ऐसा होता है मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये क्या ना जो ऑडियो बुक होती है कई बार है ना आप ना ऑडियो बुक की हर चीज का एक एडवांटेज होता है एक डिसएडवांटेज होता है मेरे हिसाब से। ऑडियो बुक का एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कई बार आप है ना अपने ख्यालों में खो जाओगे और 3-4 लाइन आगे निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार अच्छा क्या था, आपको वापस रिवाइंड करना पड़ जाएगा मे बी, ठीक है। तो ऑडियो बुक का एक इशू ये हो सकता है अभी। और फिजिकल बुक मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट तरीका है नॉलेज गेन करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम आप समझ के रहना पड़ता है। हाँ इसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ लाइन पढ़ देते हैं 5-6 लाइन, फिर उसके बाद रिलाइज होता है क्या पढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा, बट आप फटक से वापिस पीछे जा सकते हो, इट्स इजी अगर आपके हाथ में बुक है। तो मेरे हिसाब से हर चीज का एक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज एडवांटेज भी है, लेकिन आपको जो चीज ज्यादा इजी लगती है मेरे हिसाब से स्टार्ट के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो लोग पहले आपको ABCD पढ़ने बोलेंगे, आप इजी चीजों से इंट्रोड्यूस करते हो अपने आपको, फिर उसके बाद अगर जिम में भी आप जाओगे तो पहले आपको हल्का वेट ही करने बोलते हैं कि भाई हल्का वेट कर, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना और मसल को ब्रेक करना दो। तो मैं भी लोगों को एनकरेज करता हूँ कि भाई कुछ नहीं तो एक काम करो, आप सबसे सिंपल मेरा वीडियो देख लो यूट्यूब पे, वो अगर करने की आपको आदत लग गई है तो आप एक काम करो ऑडियो बुक्स की तरफ चले जाओ, ऑडियो बुक धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर बोला एक काम करो बुक पढ़ो, बहुत से लोग मैसेज करते हैं मैं बोलता भाई बुक पढ़ो, पढ़ोगे तो और सबसे अच्छे तरीके से बैठेगी दिमाग में, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट भी है सच बोलो तो। एक चीज जैसे अभी जैसे हम समरीज देखते हैं बुक समरीज जैसे आप रीड करते हो, तो क्या करना चाहिए, जैसे मेरा मन कर रहा है कोई बुक पढ़ने का, तो यूजुअली क्या होता है मैं पहले जाता हूँ यूट्यूब पे एंड कोई समरी देख ली, उसके बाद जो है बुक पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मतलब सीक्वेंस ये सही है या फिर इसको चेंज करने की जरूरत है, पहले बुक पढ़े बाद में समरी देखें, या फिर पहले समरी देख ले तो सारी चीजें हमें पता ही मतलब ऑलमोस्ट ऊपर ऊपर से पता चल जाता है चीजें, फिर उसके बाद बुक पढ़े तो फिर इतना इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाएगा। नहीं नहीं मेरे हिसाब से ना कैसे है ना
तो इसमें क्या करना चाहिए? जैसे कैसे होता है, जैसे एक मूवी होती है तो उसका ट्रेलर, कई बार आप ट्रेलर देख लेते हो, ट्रेलर में भी काफी बार लोगों को समझ में आ जाता है कि मूवी किसके बारे में है, किस चीज के बारे में है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत समझ में आपको आ जाता है, बट एक्चुअल में मूवी का पूरा मजा और पूरी बात अच्छे से तभी समझते जब आप पूरा मूवी देखते हो, है ना। तो आप ट्रेलर सिर्फ देख के अगर बोलोगे कि नहीं यार सब तो समझ में आ गया मेरे को मूवी में क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हो सकता है शायद, हो सकता है आपको सब बात पता हो, लेकिन मेरे हिसाब से, माय एक्सपीरियंस में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया ये चीज ना, बुक, एक ही बुक, अभी थिंक एंड ग्रो रिच, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये मैंने 7 साल पहले पढ़ा था, तब मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने कुछ अलग ही अपने दिमाग में इस चीज का है, बुक सेम, बात एकदम सेम है, लेकिन जब मैंने उसको अलग तरीके से, मेरे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया अलग तरीके से, मैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाया, लेकिन आज अगर मैं वापिस से ये बुक पढ़ूंगा मुझे पक्का मालूम है कुछ नई चीज और सीख के था, कुछ नया पॉइंट जो शायद तब मेरे से मिस हो गया था, जो तब मैं, जो मैं अभी तक अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। रेपिटेशन है ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज है, जो लोग है ना उसका पावर समझते नहीं है। आपने देखा होगा ना बहुत से लोग ये होते हैं रिलीजियस होते हैं बहुत, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके दिखा देते हैं, और हमें लगता है कि यार हम आम इंसान सोचते हैं यार कैसे कर लेता है यार ये, पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हैं कुछ लोग कैसे, उसका एक पीछे रीजन ये है रेपिटेशन, वो लोग इतना अपने आप को सेम आइडिया से रिपीट करते हैं, सेम बातें बोलते हैं, सेम बात अपने दिमाग में इतनी बार बैठाते हैं ना कि वो एक सबकॉन्शियस लेवल में दिमाग में बैठ जाता है, और चीजें जब आपके सबकॉन्शियस लेवल में बैठ जाती है ना तो आपके लिए उस चीज के लिए एक्शन लेना बहुत ईजी होने लग जाता है, क्योंकि वो आपके दिमाग में एकदम हार्डवायर्ड हो गया है, तो वो अपने आप आपके तरफ एक्शन निकलता है, समझ लो। तो बुक रीड करो, और अगर मेरा वीडियो देख रहे हो देखो, अच्छी बात है, वीडियो इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर, उससे आप देखो कि हाँ बुक में क्या बात है, ऑथर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग तो आपको लगता है हाँ ये मेरे काम की बुक है, मेरे को ना ये आगे बढ़ने में लगता है हेल्प कर सकती है, काम करता हूँ मैं इसकी बुक लेके पढ़ के सीखता हूँ इससे डिटेल, और आई थिंक डिटेल में ही सीखना चाहिए, डिटेल में सीखोगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे आपने बोला कि बुक को जितनी बार रिपीट करते हो उतनी बार ज्यादा मतलब नॉलेज हमें सीखने को मिलता है, मैंने सेम ये चीज एक बुक मैंने पढ़ी थी जैसे लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास, तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा तो मतलब कुछ नई चीजें जो है और सीखने को मिली थी, सेम ऐसा नहीं था सेम एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हो जाता है जब हम एक ही चीज को 2 बार पढ़ते हैं, तो मुश्किल होता है सेकंड बार पढ़ना ना, मुश्किल होगा आपके लिए, आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको फायदा बहुत करेगा। अभी जिम करने लोगों को बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मजा नहीं आता है, फटती है, दर्द, लेकिन वो चीज तुमको ग्रो करती है, ये चीज याद रखना। तो जो भी चीज है ना, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात सुना था, पढ़ा था, रिमेम्बर नहीं है, बट है ना एक बंदे ने बोला था कि जो बुरी चीजें होती है ना वो करने का मन करता है और करते हैं मजा भी आता है, लेकिन करने के बाद बुरा लगता है, लेकिन जो अच्छी चीजें होती है ना वो आपको करने मन नहीं करता है, करते वक्त बुरा लगता है लेकिन करने के बाद बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। ये चीज हमेशा याद रखना, जो चीज आपको अभी थोड़ा खराब लग रही है लेकिन पुश करोगे वो अच्छी लगेगी, आपको ग्रो करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मतलब जैसे जिसने बहुत ज्यादा कभी मतलब इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ है, ठीक है, मतलब वो नॉर्मली पढ़ता था बट अब उसको एक बुक पढ़नी है, तो कैसे वो हैबिट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हाँ मैं कंटिन्यूअसली 1 पेज पढ़ पाऊँ फिर 2 पेज पढ़ पाऊँ, इस तरीके से अगर किसी को हैबिट डेवलप करनी है तो उसका बेस्ट मेथड क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? सो अटोमिक हैबिट एक बुक है और एक मिनी हैबिट्स करके बुक है, ये दोनों बुक है ना कहीं एक सेम प्रिंसिपल ही सिखाती है जो आपने बोला था कि छोटे छोटे एकदम इतने छोटे स्टेप्स लो कि यार बोलने भी शर्म है, लेकिन वो स्टेप लो, जैसे कि अरे यार आज मैंने ना देखो पता है एक लाइन पढ़ा बुक की, अब कोई भी बोले क्या बेवकूफ है क्या, एक लाइन पढ़ा तो क्या उसके अंदर रिपोर्टिंग क्या बात है, बट वो एक लाइन अगर आप रोज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो वो धीरे धीरे बैठने लग जाएगी, धीरे धीरे वो आदत बनने लग जाएगी, और एक बार आदत, वी आर जस्ट क्रिएचर ऑफ हैबिट्स, अगर हमारे अंदर हैबिट्स बन जाएगी ना स्ट्रॉन्ग तो हम बड़ी बड़ी चीजें करने लग जाएंगे। तो आप है ना छोटी से स्टार्ट करो, मैं तो बोलता अगर कुछ नहीं है तो आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे समरीज देखना स्टार्ट करो, समरीज ही देखते रहो, लेकिन उसके बाद ट्राई करो कि ना समरी देखने के बाद मैं सिर्फ एक एक पैराग्राफ पढ़ लू, 2 लाइन पढ़ लू, कुछ भी हो, बस ना आपका वो जो बैरियर है ना आपका और बुक की तरफ का जो बैरियर है वो टूटना चाहिए, 1-2 लाइन पढ़ लो, एक पैराग्राफ पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना छोटा आप कर सकते हो उतना करो, बस उतना करोगे और हर दिन करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी। मुश्किल रहेगा अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कितना भी बोल दूं कि भाई जिम जाओ आपको अच्छा मिलेगा ये होगा, बट जिम जाना एक अलग ही सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, एक अलग ही लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए, तभी आप कर पाओगे। मेरे बोलने से मैं एक सीक्रेट कोई भी, इसका कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है कि भाई ये कर दे तो पक्का रोज बुक पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं है, इट्स लाइक जिम, टाइम लगेगा, मेहनत, डेडिकेशन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, तभी आप कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। बस एक चीज यही बोल सकता हूँ कि भाई इस कम्युनिटी में घुसे रहो, इस चीज में घुसे रहो, वीडियोस देखते रहो, जो भी करना है आप बुक से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी आइडेंटिटी बना लो कि आई एम अ बुक रीडर, ये चीज भी कई बार हेल्प करती है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक एक चीज और यहाँ पे होती है, जैसे कोई बुक रीडिंग स्टार्ट करता है तो कई बार मैंने देखा है कुछ लोग क्या होते हैं, उनको बता दो कि हाँ बुक रीडिंग करनी है तो वो पूरे पूरे दिन ही बुक रीडिंग कर रहे हैं, बाकी सारा काम छोड़ दिया, सिर्फ बुक रीडिंग ही करते जा रहे हैं। तो ये मतलब इसको कैसे हैंडल किया जाए, मतलब कई कई लोग देखे मैंने ऐसे जो सिर्फ यही कर रहे हैं, पूरे दिन यही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कैसे है ना, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। अभी हाँ अगर अभी देखो, इसको तुम एकदम खराब भी बोल सकते हो, मैं बोलूंगा फिर भी लाइक हाँ दिन भर रील्स देखने से तो अच्छा है यार। अगर मतलब दिन भर हाँ तुम वो रील्स, मतलब फालतू फालतू चीज है हर चीज, कैसा हाँ रील्स हो गया, हर मोबाइल हो गया। अभी मैंने रिसेंटली जो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाया जो मैंने संडे को डाला, तो उसके अंदर ऑथर हाँ नीरियल इनडिस्ट्रैक्टेबल में यही बोलते हैं कि आजकल पूरे सब लोग है ना मोबाइल को ब्लेम करते हैं। कई सारे ऑथर्स भी बुक लिखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मोबाइल जड़ है, काइंड ऑफ बोलते नहीं है बट ऐसा पोर्ट्रे करते कि मोबाइल ही सबसे बड़ा विलन है। बट ऑथर बताते नहीं, विलन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग, हमारे नेगेटिव फीलिंग्स जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे बोर्डम हो गया, लोनलीनेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सारी चीजें, अनसर्टेनिटी हो गई, ये सारी चीजें हमें पसंद नहीं होती है, नेगेटिव फीलिंग्स। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम रील्स देखते हैं या कोई भी चीजें करते हैं। मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल सिर्फ एक एक्सटर्नल सिम्टम है जो हमें दिख के आता है, प्रॉब्लम हमारे इंटरनल है ना। उसे लड़ने के लिए क्या करना चाहिए आपको, आप है ना मोबाइल को, आप बोल ऑथर एक पॉइंट बोलते हैं कि हैक द एक्सटर्नल सिम्टम, हैक एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप हैक करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बुक बुक अगर मैं मेरा मोबाइल मुझे काफी हेल्प करता है, मैं बोलूं तो मैं रिमाइंडर सेट करके रखता हूँ, क्योंकि कि भाई मुझे इतने टाइम पे मेरे को रिमाइंड करना कि मुझे बुक पढ़ना है, तो ये मुझे हेल्प कर रहा है मेरा बुक। वैसे ही अगर मैंने मोबाइल के थ्रू अगर मैंने अपने जिम ट्रेनर को बोल के रखा है मेरे को फोन करना जब भी रिमाइंड करे मुझे बुला लेना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोबाइल का यूज करके उससे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको भी मोबाइल का, इंटरनेट का यूज करके उससे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसको ऐसा बना लो कि आप उससे में घुसे रहो और कुछ कर ना पाओ। अब रही बात, क्वेश्चन ये था कि दिन भर जो लोग बुक पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक हाँ है, बेस्ट नहीं है ऑब्वियसली, सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर बंदा पढ़ रहा है शौक में, ठीक है पढ़ रहा है, पढ़ ले, लेकिन आगे जाके एक्शन जरूर लेना भाई। पढ़ लो, अभी तुम्हारा जितना शौक आया है तुम्हारे अंदर वो आ रहा है, पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है। बट मेक वन थिंग श्योर कि एटलीस्ट आप उस बुक की एक बात अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे ही करो लेकिन अप्लाई जरूर करो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये एक्चुअली ये होता है ना, जब वो लोग कहीं पे बात सुन लेते हैं कि चलो बिल गेट्स जो है वो एक ईयर में 52 या कितने बुक्स पढ़ लेते हैं, तो मतलब वो ऐसा वो सुन के ऐसा लगता है कि हम भी ये स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम आती है। होता आएगा कई बार ऐसा लगता है कि यार सोल्यूशन सिर्फ बुक रीडिंग ही नहीं, सोल्यूशन हाफ है, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। आप उस पोटेंशियल पावर का क्या करते हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ पोटेंशियल जमा करके रखोगे अपने भेजे में और उसको यूज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो ये चीज तो मैं हमेशा, और ये चीज हमेशा सच बोलूं तो बुक्स बताती है, अगर आप वेरियस ऑफ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एक चीज बुक्स के अंदर हमेशा ऑथर लोग आपको यही बोलते हैं कि भाई एक्शन लो। कई बार मैंने ऐसा देखा है ऑथर स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हैं कि ये बुक में बहुत सी अमेजिंग बातें हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक्शन लोगे तो ही, अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो ही अमेजिंग बातें लगेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अब एक जो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी ऑडियो बुक्स है की एंड जो फिजिकल बुक्स है, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, कि मतलब ऑडियो बुक्स की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, जैसे पॉडकास्ट वगैरह आजकल लोग बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, एंड फिजिकल मतलब थोड़ा सा कम हो गया कंपेरेटिवली जैसा पहले होता था, बट आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है ये? फ्यूचर तो ऑब्वियसली वीडियोस की तरफ है, सबसे ज्यादा वीडियोस है। ऑडियोस, ऑडियोस का एक अलग ही मार्केट है, क्योंकि देखो हर चीज है ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है कि ह्यूमंस कैसा बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ। तो आजकल आप देखना ना ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट ये सब क्यों इतना चल रहा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल जो बन चुकी है ना वो कुछ ऐसी बन चुकी है जिसके अंदर कई बार हमें फ्री टाइम मिल जाता है कि हम कान में लगा के सुन सकते हैं, ट्रैवलिंग करते वक्त ट्रैफिक में हो तो सुन लो, या फिर कुछ खाना बना रहे हो तो एक इंसान सुन सकता है। ऐसी कई बार कैसा होता है ऑडियो कंज्यूम करना बहुत ईजी हो जाता है, बट मेरे हिसाब से अगेन एक चीज देखा जाए ना तो वीडियो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, लोग टाइम नहीं, उसके बाद आई थिंक ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसके बाद रिटन वर्ड हो गया है। बट अगर बात करें तो मार्केट, मुझे लगता है मार्केट हमेशा रहेगा, कुछ मार्केट रीडर्स के लिए हमेशा रहेगा, जो लोग को एक्चुअली समझ में आएगा कि हाँ रीडिंग से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो लोग हमेशा रीडर रहने वाले हैं। कुछ लोगों को लगेगा जैसे मेरे जैसे मैक्सिमम लोग, बहुत से लोगों को लगेगा ऑडियो बुक सुन के भी काम हो सकता है, और मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा जो लोग रहेंगे ना वो लोग वीडियोज में रहेंगे, वो लोग वीडियोज ज्यादा कंज्यूम करेंगे। और ये चीज आप देखोगे डेटा जब सर्च करके देखोगे सबसे ज्यादा वीडियोज ही कंज्यूम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अब एक जो ये मेरा मैंने देखा कि जैसे लोग बुक रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट वहां पे क्या उनको कुछ स्टार्ट अगर कोई कर रहा है तो कुछ सेलेक्टिव बुक से स्टार्ट करना चाहिए, जिसको मतलब रीड करना इजी हो, जिसको समझना इजी हो, या फिर वो नॉर्मली किसी भी बुक से स्टार्ट कर सकता है? मेरे हिसाब से देखो, अगर आप, यहाँ पे है नहीं मेरे पास थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच तो चलो बहुत अच्छी बुक है, इससे भी आप स्टार्ट कर ही सकते हो।
मैंने जो पर्सनली स्टार्ट किया था मतलब, तो वो रिच डैड पुअर डैड से किया था. और आई थिंक जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि हाँ भाई मेरी भी रिच डैड पुअर डैड ही पहली बुक थी. तो आई थिंक जस्ट बिकॉज उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था बुक की लाइफ दुनिया में, और बहुत से लोगों को वो इंट्रोड्यूस करती है बुक की दुनिया में, कुछ तो ऐसे उसके अंदर बात है. तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप थिंक एंड रिच डैड पुअर डैड से चालू करो, रिच डैड पुअर डैड से चालू करो अच्छा है. नहीं तो अगर आपको वो नहीं मन कर रहा है, तो आप अपने नीड के हिसाब से चालू करो कि आपको क्या नीड है. अगर आपको समझो स्टार्टअप करना है, तो कैसे एक लीन स्टार्टअप, लेकिन ये थोड़ी 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 टफ बुक है, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल टेक्निकल एकदम ज्यादा भी नहीं, बट अपनी नीड के हिसाब से भी कर सकते हो. जो चीज आपको ट्रिगर करे, जो भी चीज आपको मोटिवेट, मनी, हाँ बहुत से लोग मनी पैसा होता है जो लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है. हाँ आई थिंक थिंक एंड ग्रो रिच लोग को, वैसे रिच डैड पुअर डैड भी मनी से रिलेटेड ही बहुत बताती है. ये भी बहुत अच्छी है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक है ऑल टाइम की. संदीप महेश्वरी जी को भी ये बुक बहुत पसंद है. ऐसे बहुत से लोग को ये बुक पसंद है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. आइडियली अगर चाहिए एक ही बुक का बोलना है, तो रिच डैड पुअर डैड से चालू कर दो, स्टोरी टाइप में मजा आएगा. हाँ, मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने द अल्केमिस्ट से स्टार्ट किया था, तो वो भी स्टोरी वो जैसी है काफी तो. अच्छा। हाँ, स्टोरी जैसे बुक थी, काफी सही बुक थी। तो अभी एक क्वेश्चन, आप मतलब थोड़ा पर्सनली, कि जैसे आपने स्टार्ट किया यूट्यूब, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं यार मतलब मजा नहीं आ रहा है, या फिर कुछ मतलब कुछ गलतियां हो गई, या फिर सब्सक्राइबर नहीं गेन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे थिंकिंग कैसी हो जाती है कि अगर ग्रो नहीं कर रहे, हम 1 साल तक काम किया फिर भी ग्रो नहीं हो रहा, तो मतलब सॉरी थिंकिंग सॉरी किस तरीके से होती है? स्टार्ट स्टार्ट में ना मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया. तुमने क्या बोले स्टार्ट का, क्या बोले थे? स्टार्ट में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो अभी क्या होता है, स्टार्टिंग में सेटबैक आता है कि नहीं फॉलोअर्स नहीं ग्रो हो रहे, सब्सक्राइबर नहीं ग्रो हो रहे, तो उस हाँ टाइम पे एक पर्सन की थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, और एक्चुअल में हो कैसे? जैसे जैसे आपने भी स्टार्ट किया, तो आपके आप आपके यूट्यूब चैनल पे भी कुछ दिक्कतें आई होंगी कि हाँ नहीं ग्रो हो रहा, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस टाइम पे क्या थिंकिंग रहती है नॉर्मली? देखो कैसे, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्तों मुझ पर हंस रहे थे. जब मैंने लोगों को आइडिया बताया ना कि भाई मैं बुक समरी का चैनल बनाना, तो क्या पागल है क्या, क्या कर रहे हो, तो बुक समरी कौन देखने वाला है यार, लड़की से रिलेटेड बना, कुछ प्रैंक श्रैंक बना तो क्या देखेंगे, मजा क्या आएगा. बट कैसा, मुझे पता था कि बुक कितनी पावरफुल होती है, वो कैसे एक्चुअली में लाइफ चेंज कर सकती है. तो मेरा जो वाय था ना, मुझे एग्जैक्टली पता था कि हाँ बुक बहुत पावरफुल है, इंडिया में नहीं कर रहे लोग इसको. मेरा विजन क्लियर था. मैं वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम एक होता है कि आप यार ये चल रहा है चलो ये कर लेता हूँ, ये चल रहा है ये कर लेता हूँ, ये चल रहा है ये कर लेता हूँ. बहुत से लोगों के अंदर ये बहुत लोगों, मेरे अंदर भी आती है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम दूध का धुला हूँ, मेरे से नहीं आती, आती है मेरे अंदर भी. जो चीज चल रही है उसकी तरफ हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि नहीं हमें अंदर से क्या चीज लग रही है, हमारा पैशन किस चीज में आ रहा है, कौन सी चीजों से रिलेटेड मैं आधे 1 घंटे बोल सकता हूँ बिना थके. मुझे पता था कि वो बुक ऐसी चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि मैं बुक के बारे में बोलना स्टार्ट करूं, भले से मेरे को फॉलोवर नहीं मिलेंगे. देखो मैंने सच बोल रहा हूँ, मेरे लिए मैंने क्या सोचा था पता है, जब स्टार्ट किया था, भले से मेरे को 1,000 लोग मिले, 1,000 लोग से मुझे सुन रहे होंगे ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मेरे को पता है वो 1,000 लोगों की लाइफ में मैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा अगर मैं बुक की नॉलेज क्रिएट सिखाऊंगा तो. ठीक है, और इससे रिलेटेड दो थी, एक तो मेरा अंदर से भी मुझे पता था, और एक मॉनिटरीली देखे पैसे से रिलेटेड बात देखे, तो एक एक आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसे 1,000 ट्रू फैंस बोलते हैं. अगर आपको पैसे कमाना है, तो बोला जाता है कि आपको लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1,000 ट्रू फैंस चाहिए. अगर आपके पास 1,000 ट्रू फैंस होंगे, जो आपसे अगर समझो फॉर एग्जाम्पल 1,000 का प्रोडक्ट खरीदने का दम रखते हैं क्योंकि वो आपके ट्रू फैंस है, तो सोचो आपके पास कितने पैसे होंगे. हाँ, बहुत, 1 लाख क्या? 10 लाख, 10 लाख होंगे ना, यूनिट यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, बराबर. लाख तो 10 लाख एक इंसान ऐसे कमा सकता है अगर उसके पास 1,000 ट्रू फैंस है तो, समझ रहे हो. तो इतना आपको, बहुत से लोग लगते हैं कि नहीं मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, नहीं, 1,000 अच्छे लोग जिनको एक्चुअली आप पे बिलीव हो, जिसके जिनके लाइफ में सच में आपने वैल्यू ऐड की हो, उनकी लाइफ बदलने में, या कुछ तो ऐसा की होगी यार, वो लोग बोले कि नहीं यार ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, ये बंदा सच में कुछ अच्छा कर रहा है मेरे लिए. लोग क्या ना, ज्यादातर लोग ना मतलब ही, सच बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया ना, मैं भी मतलब ही, ऐसा नहीं कि हम लोग, मैं मतलब ही, हर कोई मतलब ही है दुनिया में, लेकिन हम जब अपने मतलब को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा सा ज्यादा सामने वाले के बारे में सोच लेते हैं ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर हम सोच लेते हैं यार इसका क्या फायदा हो जाएगा, चलो ये मैं सोच के देखता हूँ क्या मैं कैसा कर दूंगा जिससे इससे इसका थोड़ा फायदा हो जाएगा. जब एक इंसान वो करने लग जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं. तो जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर है, मैं कम फ्रॉम अ राइट प्लेस, एक अच्छी जगह से आओ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ आओ, एक अच्छी चीज पे जिसपे आप बिलीव करते हो उस पर काम करो, ऑनेस्ट रहो, और लोगों को वैल्यू ऐड करो, जैसे गैरी वेनरचक हमेशा बोलते हैं वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, लोग अपने आप आपकी तरफ आएंगे. और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में आप बिलीव करते हो, दिल से आप बिलीव करते हो कि यार ये चीज है, भले से इसमें ज्यादा फॉलोअर्स नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये करूँ कि मैं इसमें बहुत ज्यादा दिल से बिलीव करता हूँ,
वो चीज से रिलेटेड कंटेंट बनाओ, लोग भी आएंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आप पैसे भी कमाओगे, हर एक चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही है। मैंने जो अपनी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट करी थी वो 3000 के आसपास फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां से मैंने क्लाइंट्स जो है लेना स्टार्ट किया था। तो बहुत ज्यादा फॉलोइंग की जरूरत नहीं होती, स्टार्टिंग से अगर हम सही प्रोसेस को, मैं कहता हूँ प्रोसेस को फॉलो करके चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे वे में जाते हैं, अर्निंग मनी मेकिंग ये सब चीजें होने लग जाती है। तो एक एक जो चीज आती है कि मैं जब एक, आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चंस हाँ अपने आप से पूछ रहे हो, फॉलोवर्स के क्वेश्चंस ले रहे हो आप? नहीं, फॉलोअर्स के क्वेश्चन अभी लेने हैं, अभी लेने हैं, अच्छा काफी ठीक सारे है फॉलोअर्स के क्वेश्चन। हाँ ठीक है ठीक है, वही मैं पूछ रहा था अब कि क्या ले रहे तो हो, तो लोग का नाम भी दे दो, थोड़ा सा शाउट आउट भी दे देना। नहीं, अभी मैं ऐड करूंगा तो उन सबको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है वो किसने क्वेश्चन लिखा है। ठीक, मेरे को इतना आइडिया हाँ नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी जैसे आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो क्या आपको आइडिया था कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, या फिर मुझे थंबनेल कैसा लगाना है, या फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये सारी चीजें, या फिर जस्ट आपने जस्ट स्टार्ट कर दिया था एंड बाकी बाद में वो सारी चीजें सीखी हैं? सही बोले, यही आपके क्वेश्चन में आंसर है हाँ कि ये सब है ना सेकेंडरी चीज है मेरे हिसाब से, कि थंबनेल कैसा होना चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए, ये वो, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इट्स इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यूट्यूब खुद बोलता है, यूट्यूब की जो टीम है, जो मैनेजर है, ये सब लोग से अगर आप पूछोगे ना कि कौन सी चीज पे मैं फोकस करूँ, तो लोग बोलते हैं कि आप अच्छा क्योंकि क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगेन मेरे हिसाब से जो कोर है ना वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पर है, कोई भी चीज कर रहे, कोर क्या है, वैल्यू ऐड करना, लोगों की लाइफ में कुछ तो अच्छा कर देना जिससे कि उनकी लाइफ आसान हो, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ वो आगे बढ़े, कुछ तो उनके लिए हो। जब हम वो चीज करेंगे ना, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं कर रहा था, मैंने बुक समरी स्टार्ट किया था तब कोई भी नहीं कर रहा था इंडिया में, एनिमेटेड बुक समरीज कोई भी नहीं कर रहा था, बिकॉज इट वॉज सो वैल्यूएबल, वो चीज इतनी वैल्यूएबल थी, लोग सुने, एक दो वीडियो लोगों ने सुने, हाँ यार ऐसी कुछ बातें थी जो शेयर नहीं थी, जो कॉमन नहीं थी और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही थी, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, रिच डैड पुअर डैड की बात मैंने जो शेयर किया था, फर्स्ट वीडियो मेरा जो हिट हुआ था वो वही हिट हुआ था, रिच डैड पुअर डैड का ही वीडियो हिट हुआ था। मेरे दोस्त ही मुझे बोलते थे कि भाई अरे तेरा तेरा मेरे डैड में तेरा वो वीडियो देख रहे थे, ऐसा करके मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था, तो उसके डैड देख रहा, मेरे को भी एक प्राउड फील हुआ कि ही वॉज लर्निंग समथिंग, मैं अपने दोस्त के डैड को कुछ सिखा रहा था, तो इट वॉज अजीब था थोड़ा सा, और लेकिन वो वैल्यूबल था, इसीलिए तो उसके डैड भी मेरा वीडियो देख रहे थे, एसेट लाइबिलिटीज के बारे में, और बहुत सारी चीजें थी कि पैसे से पैसा कैसा बनाना है, ये सारी चीजों से रिलेटेड बातें थी जो बहुत ज्यादा चली। तो सेम, और वो तब मेरा थंबनेल, तुम जाके सिर्फ जाके अभी जाके अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे एकदम सालों पहले जाके देखो, मेरे थंबनेल कुछ भी नहीं, कैसा एकदम अजीब से मैंने बनाया था, अभी जाके देखता हूँ कुछ भी थे वो, हाउ टू गेट रिच, सिर्फ सीधा सिंपल ये डाल दिया था मैंने, हाउ टू गेट रिच, ऐसे ऐसे करके टाइटल्स में भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं थी, जो दिमाग में आया वो डाल दिया, लेकिन क्योंकि कॉन्टेंट बहुत अच्छा था इसीलिए वो हिट हुआ। ठीक है, आप मैं YouTube पे आज भी आज जाके देखोगे ना थंबनेल कुछ समझ में नहीं आएगा, कहीं पे देखोगे तुम एकदम प्रोफेशनल लोगों ने बहुत अच्छे से डिजाइन करके डाला है, उस पर व्यूज नहीं रहते, और कई बार एकदम खराब थंबनेल पे भी बहुत व्यूज आ जाते हैं, लोग सोचते हैं यार क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वीडियो के अंदर की बात मेन है, अंदर कितना ज्यादा पावरफुल चीज है, क्या वो हटके है, क्या वो बहुत ज्यादा वैल्यू एड कर रहा है, अगर वो दूसरों से बहुत ज्यादा वैल्यू एड कर रहा है, बहुत ज्यादा हटके है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर रहता है ना हिट हो जाता है। वॉच टाइम बेसिकली ज्यादा मैटर करता है कि अगर वीडियो एक बार किसी ने ओपन हाँ कर ले, पूरी वीडियो देख ले, तो हाँ मतलब वो वीडियो अच्छी चलेगी। राइट, पहली चीज तो है अट्रैक्शन, अभी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे तो ज्यादा हो गया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो हाँ पहले तो अट्रैक्ट, उसके लिए थंबनेल आज इम्पोर्टेंट है, ज्यादा ऐसा नहीं बोलूंगा जरा भी नहीं है, अगर आप पहले लोगों को अपने थंबनेल से अट्रैक्ट कर ले रहे हो, फिर बहुत टाइम तक अपने वीडियोस पे बना के रख पा रहे हो, तो आपके वीडियो को ज्यादा यूट्यूब रिकमेंड करेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि हाउ टू मोनिटाइज बुक रीडिंग हैबिट्स, क्या इसको मोनिटाइजेशन वगैरह की जा सकती है? बिटवीन द लाइंस डॉट बुक्स का ये क्वेश्चन है, समझ गया, मे बी ठीक आपको है, तो क्वेश्चन मेरे दिख हिसाब रहा से देखो, होगा। हाँ स्टार्टिंग में जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं आज बुक के थ्रू ही सारा मोनेटाइजेशन कर रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे मेरे निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने जब हाँ स्टार्ट किया था तो मेरा इंटेंशन ये था ही नहीं कि मुझे मोनेटाइज इसको करना है, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों है पता है क्या, जैसे कि अगर तुमने सोच लिया कि यार मेरे को है ना बुक समरी में स्टार्ट करूंगा, बुक से रिलेटेड चैनल बनाना स्टार्ट करूंगा, ताकि मेरे को 50,000 महीना आ जाए, ताकि मेरे को 1,00,000 रुपए महीना आ जाए, ताकि मैं 6-7 फिगर्स कमाने लग जाऊं, तो तुम्हारे लिए ना तुम बार बार अपने आपको जज करते बैठोगे कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अरे क्यों नहीं व्यूज आ रहा, अरे क्यों नहीं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ अभी तक, आप हमेशा जज करते रहोगे, आप हमेशा शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में घूमते रहोगे, इससे मैंने ये वीडियो में ही बोला कि आप एक अच्छे प्लेस से आओ, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका क्या है पता है आपको मोनेटाइज करने का,
कि अभी मोनेटाइज के बारे में सोचो ही मत, अभी सिर्फ आप सीखने के बारे में सोचो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को एमबीबीएस डॉक्टर बनना रहता है, तो वो जब कोर्स करने जाता है, समझो 5.5 साल लग रहा है उसको एमबीबीएस करने में, तो 5.5 साल जब वो कर रहा है तब वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा है, तब वो सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, एक बार डॉक्टर अच्छा बन गया तो पैसे उसको आराम से, वो क्लिनिक खोल गया, हॉस्पिटल में जाके ये 10 चीजें कर से वो मोनेटाइजेशन कर सकता है। अभी मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप यंग हो, तो बेस्ट आप ये सोचो कि मैं अभी जो बुक पढ़ रहा हूँ ना, वो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, वो मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा क्रिएटर, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कर रहा हूँ। जी, जैसे आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, अपने लिए करना स्टार्ट करोगे ना कि रिजल्ट्स के लिए, अपने को इम्प्रूव करने पे काम करते रहोगे ना, धीरे धीरे आप देखना कि उस चीज से आप सीखते जाओगे एटलीस्ट। और फिर क्या करना, एक फेमन टेक्निक करके एक चीज है, अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से सीखनी है तो उसका बेस्ट तरीका होता है टीचिंग। जैसे अगर मैंने कोई बुक की बात सीखी और मैंने आपके, पढ़ाना स्टार्ट करो, हाँ बताना स्टार्ट करो, जो बुक की बात आप सीख रहे हो अपने वे में, कुछ अपने तरीके से उसको सिखाना स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि लोग देखेंगे पैसे मिलेंगे, इसलिए कि मैं ज्यादा अच्छे से सीखूंगा। तो कैसा है ना, अगर आप ये मेंटेलिटी आ गई ना, तो आपको कभी बुरा ही नहीं लगेगा कि यार कोई देख रहा नहीं है। ठीक है ना, कोई नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा भाई, मैं तो अपने लिए देख रहा हूँ, मैंने अपने लिए कर दिया ना, मैं तो सीख रहा हूँ कम से कम, मैं तो इम्प्रूव हो रहा हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि देखो कोई ना यूट्यूब का ये जितनी भी चीज है ना, कोई चीट कोट नहीं है कि आप ऐसा ऐसा कर दोगे पक्का पैसे आ जाएंगे। हाँ, एक रास्ता जरूर है जो मैंने सीखा है, लेकिन वो रास्ता अच्छी जगह से रहोगे, सही जगह से इंटेंशन के साथ आओगे, तो ही वो रास्ता आपके लिए काम अच्छे से आएगा, वरना आप छोड़ दोगे, आप नहीं कर पाओगे। सो मोटे मोटा हिसाब से यही, मोटे मोटे हिसाब से यही बोलूँ कि आप है ना क्या करो, कि जो भी बुक की बात आप सीख रहे हो, हाउ टू मोनेटाइज में आप बुक की जो भी बात सीख रहे हो, उससे रिलेटेड कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट कर दो, लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो अपने तरीके से। जैसे जैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके वीडियोस देखेंगे, अगर आपके पास ऑडियंस आ गई है, तो उस ऑडियंस को आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, आप एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू, 10 तरीके, अपना खुद का प्रोडक्ट बेच के, ऐसे 10 तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है। तो मेन फोकस हमेशा ऑडियंस बनाने पर रखो, पैसे अपने आप आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, खुद आपको लोग अप्रोच करेंगे, भाई काम कर, मेरा प्रमोशन कर दे, इतने पैसे ले ले, ऐसा रहेगा। यही चीज हम भी बताते हैं कि मतलब जो स्टार्टिंग में जो सीख रहा है लर्निंग फेज में, आज एक चीज सीखो उसको शेयर करो। शेयर इस पर्पज से नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, शेयर मैं बेसिकली ये सोचता हूँ कि शेयर करने का मतलब है कि लोग फीडबैक देंगे तो उसको और अच्छे तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। एग्जैक्टली, सही बोल रहा हूँ, ऐसे ही होना चाहिए अपने आपको। एक ये क्वेश्चन है, हाँ आप बताइए ये क्वेश्चन, अभी देखेंगे। बिगेस्ट चैलेंज इज हाउ टू स्टार्ट एंड अदर इज मेंटेन कंसिस्टेंसी। इसीलिए कंसिस्टेंसी में काफी प्रॉब्लम आती है लोगों को। हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट तो कर देते हैं। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करी है स्टार्ट करने के लिए, ये बताओ। क्या चीज है जो आपकी लाइफ में राइट नाउ है, जो आप नहीं चाहते हो वैसा हो? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मैं जॉब में फंस जाऊं, मैं नहीं चाहता था कि मेरे को किसी की बात सुननी पड़ेगी, तू आज इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, आज तू यहाँ नहीं जा सकता है, इतने की छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे, तुझे ये नहीं करने मिला। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी बॉस के अंडर हो, जो जो मेरी लाइफ को डिक्टेट करे, जिसके सपनों पे मैं काम करूं, इंस्टेड ऑफ मेरे सपनों के काम करने, अपने खुद के सपनों पे काम करने। तो जब आप स्टार्ट करने के लिए, आपका वही अगेन रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज क्यों करना चाहते हो। ये चीज अगर क्लियर रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेरे को खुद की फ्रीडम के लिए काम करना था, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया, तो वो चीज ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट मेरे लिए क्या रहेगा। तो मुझे बुक्स का पता चला, मैं सही जगह से आ रहा था, मुझे समझ में आया कि बुक्स अच्छी है, तो फिर मैंने बुक्स से रिलेटेड करना स्टार्ट किया। मुझे समझ में आया कि बुक्स से अपने पास, अपने तक रखने से अच्छा है मैं बुक्स की नॉलेज शेयर करूंगा, क्योंकि अगर आप जितनी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, उतना आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। तो ये चीज जब मुझे समझ में आया, तो मैंने वो चीज करना स्टार्ट किया। ऐसी आप पहले देखो कि आप एग्जैक्टली क्यों करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज थोड़े फॉलोअर्स चाहिए आपको, यही सिर्फ इतना ही रीजन है एग्जैक्टली? आप कुछ इमोशनल रीजंस, बेसिकली हम इमोशनल क्रिएचर, आपको पता ही होगा, तो कुछ इमोशनल रीजन ढूंढने की कोशिश करो जो आपको ट्रिगर करते हैं कि नहीं यार मेरे को ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो फिर आपको ना कैसी जिंदगी चाहिए, वो चीज को अपना अल्टीमेट गोल रखो, अपना विजन बोर्ड बना लो जिसको आप हमेशा देख सकते हो, ऐसा कुछ लिख के रखो, एक डायरी बना लो, अपने गोल सेट करो कि मुझे ये चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, ये सारी चीजें ऐसा लिख के रखो कि मुझे ये चीज अचीव करना है, उसके लिए मुझे एक्शंस लेना है। तो वो चीज आपको बार बार रिमाइंड करेगी, आपको राइट ट्रैक पर रखेगी, ये चीज आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है। कंसिस्टेंसी अगेन डिसिप्लिन की बात होती है, कंसिस्टेंसी वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि उसका कोई चीट, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी कोई भी मैजिक पिल नहीं है। बहुत से लोगों ने ना, एक मैंने बुक में पढ़ा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे कौन सी बुक था, कि सब लोगों को ना एक मैजिक पिल की ऐसा लगता है, मुझे भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो एक मैजिक पिल मिल जाए जो मैं खा लूं और सब चीज सही हो जाए, मैं एकदम सही। एक मूवी है
मैं नाम भूल गया शायद से, उसके अंदर वो एक एक गोली खाता है और उसका फोकस और हर एक चीज बहुत वो हो जाता है। पता है कौन सी मूवी है? फोकस आई डोंट रिमेम्बर। फोकस एक मूवी थी, उसके अंदर वो एक गोली खाता है, मैंने वैसा कर कुछ तो ऐसा नाम रहता है, तो उसका जो फोकस कॉन्सेंट्रेशन हर चीज एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ में बोलने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं हम भी रियल लाइफ में वो गोली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यार, वो मिल जाए और मैं एकदम कंसिस्टेंट हूँ हर एक चीज करूँ, बट ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी को, मसल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे अपनी बॉडी की मसल्स होती है धीरे धीरे बिल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, वैसे आप जो कंसिस्टेंट बनने के लिए भी आपको धीरे धीरे, आप एक बार ट्राई करो। जैसे अच्छा चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने ना एक बार सोचा था कि मैं रोज 5 बजे उठना स्टार्ट करूंगा, तो ये चीज मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल पहले मैंने स्टार्ट करने की कोशिश किया था, मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ ना ये चीज में। मैं सोचा था 30 डेज करके ट्राई करूंगा, तो मैंने एक बार ट्राई किया, मैं फेल हुआ, दो तीन दिन किया फिर नहीं हो पाया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वापिस से चालू किया, फिर भी मैं फेल हो गया, फिर मैंने वापिस से चालू किया, मैं अगेन एंड अगेन करते रहा अंटिल एंड अनलेस मैं 1 महीना वो चीज करा। अब मैंने फाइनली वो 1 महीना करा, हाँ, लेकिन मैंने अपने आपको एक बफर दिया था कि 1 हफ्ते में 1 दिन चीट मार सकता हूँ। तो मैंने मैंने ऐसा किया था और मैंने फाइनली वो चीज करा भी, बट मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं 5 बजे वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे को यस, तो मैंने जो स्टार्ट किया कैसे था ना, हुआ नहीं 5 बजे का, मेरे को इतना सही नहीं लगा, क्योंकि हम आजकल ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं ना, हमारी फैमिली ये सब जो है ना, वो लोग सब सबका लेट टाइम टेबल है, लेट सोना होता है। तो अगर मैं 12-1 बजे सोता हूँ और 5 बजे उठता हूँ, तो मैं 4 या 5 घंटे की नींद मिल रही है, उसमें क्या कर पाऊंगा मैं? मतलब मेरे को एज अ ह्यूमन, मेरे को लगता है मुझे कम से कम 6-7 घंटे की नींद चाहिए अच्छे से फंक्शन करने के लिए, तो वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने वो चीज को कचक करके अब अभी मेरा टाइम टेबल बहुत सही हो गया है, मुझे लग रहा है मैं अभी 6:30-7 बजे तक उठ जाता हूँ हर दिन, और सो जाता हूँ 11:30-12 बजे तक मैं सो जाता हूँ, और उसके अंदर मुझे लग रहा है सब चीज परफेक्ट है। मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए ये चीज परफेक्ट। अब मैं ये सब कर भी क्यों पाया, क्योंकि मुझे पता था सुबह उठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द मोस्ट मिलियनर्स बिलियनर्स में भी होती है कि वो लोग ज्यादातर सुबह उठते हैं। और ये चीज मैंने खुद नोटिस करी अपनी लाइफ में कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, एक अच्छा खासा चंक ऑफ टाइम मिलता है जिसमें हम बहुत अच्छे से मैं काम कर पाता हूँ बिना डिस्टर्बेंस के, अच्छे फोकस के साथ, और जो चीज मुझे अगर मैं दोपहर में उठूंगा तो कभी नहीं हो पाएगी। मुझे पता है एग्जैक्टली सुबह उठने का फायदा क्या है, इसलिए मैं वो चीज को कर पाता हूँ। सेम चीज आपकी कंसिस्टेंसी के लिए भी होगी। अगर आपको सच में वैल्यू है कि यार आपको सच में पता है कि कंटेंट बनाते रहूंगा तो मेरा आगे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो आपको कंसिस्टेंट रहने में आसानी मिलेगी। अगर आपके अंदर का वाई क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं होगा नहीं होगा, क्लियर नहीं हो, डबल माइंडेड हो, और आपके पास एकदम स्ट्रांग रीजंस नहीं है, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो घुस जाओ, ऑल इन घुसो, आपका वाई क्लियर करो, एग्जैक्टली क्यों इंपॉर्टेंट, अगर समझ में आ गया आपको, तो आपको कंसिस्टेंसी रहने में हेल्प मिलेगी, कंसिस्टेंट रहने में। बिल्कुल, मेरे साथ भी ये पर्सनली होता है, जैसे कई बार क्या होता है, हम लेट नाइट तक जग जाते हैं, कुछ मतलब अब नेक्स्ट डे हम लेट उठ रहे हैं, तो लेट उठने पे क्या होता है, मतलब पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ पर्सनली होता है कि अगर मैं लेट उठा, मान लो 10 बजे उठ गया, 11 बजे उठा, तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है, वो पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो पूरा फ्लो टूट जाता है। तो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन जैसा है, और इसीलिए ना इसके कंसिस्टेंट रहने में मैं बोलूंगा ना आपको कि जो भी चीज है, जैसे अगर आपको रीडिंग की कंसिस्टेंट हैबिट बनानी है, मैं बोलूंगा आप ना एक काम करो, साइड में ना कोई ऐसी कंसिस्टेंट हैबिट सेल्फ डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो जो आपके लिए थोड़ी आसान है उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से ना, अगर आप जिम जाने की हैबिट बनाते हो, अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करते हो ना, ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आप जिम जाने की हैबिट बना लोगे, उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना सीख जाओगे ना, तो आपको एक अलग ही लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आप सीख जाओगे, जो आपको हर जगह हेल्प करेगी डिसिप्लिन रहने में। जैसे कि अभी जो मिलिट्री में लोग होते हैं, वो लोग इतने सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, वो लोग वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन फिर वो लोग की पूरी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, वो कंसिस्टेंसी आ जाता है, वो लोग कोई भी चीज करते हैं तो कंसिस्टेंटली कर पाते हैं, क्योंकि वो जो मेमोरी उनके जो मसल्स होते हैं ना, वो डेवलप हो जाता है। सिमिलरली आप भी कोई चीज जो तुमको अच्छी लगती है, सिर्फ उसमें कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट करो, शॉर्ट स्टार्ट लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो, ज्यादा मत करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो, रोज करने की कोशिश करो, वो चीज आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। एक ये क्वेश्चन है मिस्टर खान ऑफिशियल का, हाउ टू फेस फियर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू फेस फियर, इसको कैसे मतलब किया जाए अगर कोई किसी को डर लगता है चीज से। मेरे को है ना पहले लोगों से बात करने बहुत ज्यादा डर लगती थी, ठीक है, एक टाइम था जब मैं काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बहुत ज्यादा ही इंट्रोवर्ट था, लिटरली मुझे किसी से क्या बात करनी है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। बट जब मैंने ना लोगों से बात करना स्टार्ट किया, पहले मैंने ऑब्वियसली बहुत घान किया, मैं बहुत खराब ऐसा फंबल मार के ऐसा ऐसा कर गया, स्पेशली लड़कियों से बात करना मुझे नहीं जमता था
लेकिन वो, और मैं जरा भी बात करने में अच्छा नहीं था, हालांकि मैं कोविड से ही था, बट स्टिल पता नहीं क्या फियर था मेरे दिमाग में, मुझे नहीं जमता था लड़कियों से बात करने, और मैंने लाइफ में थोड़ा इश्यूज फेस किए, बट कैसे, और वो चीज मैं सही कैसे हुई, अगेन मैंने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी मेसी, इट वॉज वेरी खराब, बहुत खंदा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो चीज करना स्टार्ट की. जब मैंने उस चीज से रिलेटेड एक्शन लिया ना, तभी मेरा डर खत्म हुआ. अच्छा एक एग्जाम्पल इसके अंदर ही था, इन्फ्लुएंस इसकी ए बुक के अंदर का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ना वो बताते हैं ना, कुछ बच्चे थे जिन्हें ना कुत्तों से डर लगता था, बहुत उनको बहुत ज्यादा डर लगता था. तो वो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए कि ना, पहले वो लोग ने क्या किए, वो लोगों को एक रूम में लेके गए जहाँ कुत्ते थे, और उनको नहीं, एक बीच में कुछ दीवार जैसा कांच जैसी थी, और कांच के उस बाजू में उन्होंने दिखाया कि कैसे बच्चे दूसरे कुत्तों के साथ खेल रहे हैं. स्टार्टिंग ही कुछ दिन उन्होंने सिर्फ उनको दिखाया, फिर उन्होंने धीरे धीरे उस बच्चे को उस रूम में लेके गया, फिर धीरे धीरे उसके थोड़ा और पास लेके गए, फिर धीरे धीरे उसको इंटरेक्ट करवाए कुत्तों के साथ, धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया, और वो लोग, वो बच्चे कुत्तों के साथ एकदम फ्री हो गए, उनका पूरा डर खत्म हो गया. डर को फेस करने का और उससे जीतने का सबसे आसान, और आसान तो नहीं बोलूंगा बट सबसे इजी, इजी नहीं सॉरी, एक ही तरीका यही है कि आप उसको फेस करो. आप जब फेस करोगे, उस चीज से रिलेटेड एक्शन लोगे, तो ही आप उसका, आपका डर खत्म होगा, नहीं तो डर खत्म होगा ही नहीं. एक चीज ही कर सकते हो, मतलब सिर्फ उस चीज से रिलेटेड एक्शंस लो. जितना आप उस चीज से रिलेटेड एक्शन लोगे, थोड़ा थोड़ा ही एक्शन लोगे, छोटा छोटा एक्शन लोगे, लेकिन उसकी तरफ लोगे, उससे भागोगे नहीं. जब तक आप डरते रहोगे, भागते रहोगे ना, हमारे दिमाग को ना वो अनसर्टेनिटी रहती है कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा दिमाग ना वाइल्ड हो जाता है कि अरे कभी काट लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 चीज सोचते हैं हम, और हमारे दिमाग में इतनी चीजें सोच लेते हैं, जिसके से हमारा जो डर है ना वो बहुत पहाड़ जैसा बन जाता है. बट इंस्टेड ऑफ अगर हम थोड़ा थोड़ा एक्शन लेके उसकी तरफ जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, तो एक भोला सा जानवर ही है, क्या करेगा, जब तक मैं इसको नहीं मारूंगा ये कुछ नहीं करेगा, पागल कुत्ता थोड़ी ना है. अब ऑब्वियसली पागल कुत्ते के पास मत जाना, फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, पहले उनके पास जाके देखो, उनके साथ, उनसे उनसे जरा अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज कुछ नहीं है. वैसे ही जैसे कि बहुत से लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगता है, ठीक है, उनको लगता है कि यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा. दिमाग में ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम सोच के रखे, हमको लगता है ये खराब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, ये वो, पैसे बर्बाद होंगे. लेकिन अगर आप सच में फेस, अगर स्टार्ट करना चाहोगे साइड बिजनेस, तो आज के टाइम पे बहुत इजी है, बहुत इजी है. अब मैं ये नहीं बोल रहा उससे बहुत बड़े मिलियनर बिलियनर बन जाओगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके जो डर है ना वो खत्म होगा, और एक बार डर खत्म होगा तो फिर आप ना बड़ी बड़ी चीजें करना स्टार्ट करोगे, और धीरे धीरे आप लाखों भी कमाने लगोगे और करोड़ों करोड़ों भी कमाने लगोगे. बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज. ये जैसे होता है ना, कई लोग बोलते हैं उनको कैमरा शाइनेस होता है, वो मतलब लाइव नहीं आते हैं, या फिर उनको डर लगता है कि लाइव आता हूँ तो मैं ऑडियंस नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसको भी सेम यही चीज करनी चाहिए, उसको लाइव आना चाहिए ताकि उसको उस चीज का एक्सपीरियंस हो पाए. जैसे ही वो आना स्टार्ट करेगा, अगेन वो सारी चीजें फिर सॉल्व हो जाती है. हाँ, जैसे कि अभी भी लाइफ का ही अगर एग्जांपल पकड़ के बोले तो, अब डायरेक्टली बड़े ऑडियंस के सामने मत आओ. अगर आपको चाहिए तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ लाइव करना स्टार्ट करो, एक एक्सपीरियंस लो, लाइव करने में इतना कोई बड़ी बात नहीं है. और अगर कुछ होता है, मैं जस्ट ऐसी बोल रहा हूँ, सिर्फ स्टार्ट करो, अगर कुछ होता है तो कट कर देना, बोल देना भाई इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था, क्या कर सकते. मजाक कर रहा हूँ, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप अगर भागना चाहो उस चीज से तो कभी भी भाग सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करके तो देखो, आप धीरे धीरे आपका वो डर खत्म हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, कोई आपको पकड़ के जेल में नहीं डालने वाला लाइव जाने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए. जाके उसको आप स्टार्ट, हम क्या चाहते हैं मालूम क्या, हमारा मेन मेंटेलिटी गलत है, हमें लगता है कि यार अब जाऊ लाइव में और फाड़ दू, लोग है ना मेरा बात सुन लेना, इंप्रेस हो जाना चाहिए, सब फॉलो कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, अच्छी बहुत सारे हायर एक्सपेक्टेशन रख लेते. नहीं, हम कैजुअली जाओ, कुछ नहीं, बस एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जा रहा हूँ. पहले ये सोचो, जब अपने उनको, अपने ऊपर अपना अच्छी सही से सोच रखोगे, धीरे धीरे लोगों को भी आप पसंद आओगे. बिल्कुल बिल्कुल. ये एक क्वेश्चन है मिस पांडे ऑफिशियल का कि सर व्हाई वी डू सेल्फ डाउट. मैंने टैग किया है क्वेश्चन, वो पिन किया है कमेंट, व्हाई वी डू नॉट फोकसिंग इन वन गोल. यूजुअली हमें सेल्फ डाउट क्यों आता है, क्योंकि हम लैक ऑफ एक्शन, सच बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट बड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो देखा ना, वो लैक ऑफ एक्शन है. जब तक आप एग्जांपल दूं तो मैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे पहले सेल्फ डाउट्स थे कि मैं ये चीज कर सकती हूँ कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी. उसने बहुत सी चीजें लाइफ में करी नहीं थी, तो उसे लगता था कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी शायद से, बट मैंने धीरे धीरे बोला कि नहीं, थोड़ा सा कर, ये कर. जब है ना वो चीज करना स्टार्ट करते हैं, हम एक्शन लेते हैं ना कोई भी चीज से रिलेटेड, तब हमें समझ में आता कि नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को लगता है कि ऑनलाइन अर्न करना ना, चलो मेरा एग्जाम्पल लेते, छोड़ो, मैंने जब यूट्यूब पे स्टार्ट करा था, यूट्यूब जब मैं स्टार्टिंग में देखता, जब मैंने स्टार्ट भी नहीं करा था,
तो मैं सिर्फ सोच के देखता था यार कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, कैसे ऑनलाइन पैसे कमा लेते होंगे, इतने लाखों रुपए कमाते हैं। मैं देखता था कि लाखों रुपए कैसे कमा लेते हैं ऑनलाइन मोबाइल का यूज करके। इट वॉज समथिंग कि, और मेरे अंदर सेल्फ डाउट होता कि यार नहीं हो पाएगा यार मेरे से, क्यों हो पाएगा। बट मैंने वो सब छोड़ा, वो रिजल्ट एक्सटर्नल चीजों को छोड़ा और सिर्फ अपने अपने लिए काम करना स्टार्ट किया। मतलब बुक से रिलेटेड जो हेल्प कर सकता है एक्चुअली, उससे रिलेटेड पैसा वैसा फोकस ये सारी चीजों को छोड़ के जब एक्शन लेना स्टार्ट किया, एक्शन लेना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं कि हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, बस करना चाहिए। यही बिल्कुल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमें ना, एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते, हम डरते डर चीजों से। अगर हम धीरे धीरे छोटे छोटे भी एक्शन लेंगे ना, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमें लगता है कि यार ऑथर बनना बहुत बड़ी बात है, नहीं ऑथर बनना बड़ी बात नहीं है, हम सबके अंदर एक दो बुक्स छुपी हुई है, बस हमें निकालने की देर है, बस हमें उठ के ना सिर्फ पेन से थोड़ा बहुत लिखने की देर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बेस्ट सेलर ऑथर बन जाओगे स्टार्टिंग में लिखने जाओगे तो, बट इतना तो आप ऑथर बन सकते हो, और एक बार जब ऑथर बन सकते हो तो फिर उसके बाद आपको फिर सोचना कि हाँ अच्छा अब मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बनूंगा। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे अपने आपको ना पुश करो जो कंफर्ट जोन में। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ध्यान में, ये अपने जो कंफर्ट जोन में जो आप रहते हो ना, वहां से निकलने की कोशिश करो थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे कि अगर मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो बना सकता हूँ, सीकेंड पे एक चैनल जाएगा, तो ये मेरा कंफर्ट जोन आ गया है। जब तक मैं स्ट्रेच करके अपनी इंस्टाग्राम पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा और मेरे अंदर शायद सेल्फ डाउट आते रहेगा कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं अपने आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करता रहता हूँ, नहीं मुझे ट्राई करना है, लेट्स सी कैसे लाइफ कैसा होता है, लेट्स सी ये कैसा होगा, मैंने अपने आपको स्ट्रेच किया, मैं करके देख रहा हूँ, तो अब मुझे पता चलता है नहीं सब हो सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। करने से खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हमारे सेल्फ डाउट को वो चीज खत्म करती है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा और एक क्यूरियोसिटी पे भी डिपेंड करता है कई लोगों के, अगर हाँ वो एक क्यूरियस है किसी क्वेश्चन, चीज को करने के लिए तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ ये क्वेश्चन हाफ रह गया, हाफ था ना, ये सेल्फ डाउट का था और हाँ व्हाई डू वी नॉट हाँ फोकस हाँ इन वन गोल, क्योंकि लाइक हमें ना वन गोल का एक चीज है ना, मेरे अंदर भी ये चीज थी स्टार्टिंग में। मैं भी मेरे को लगता था यार मेरे को डांसर भी बनना है, मुझे बीट बॉक्सिंग भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। ये एक हम ह्यूमन लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि यार हमें लगता है कि ये चीज भी करो, ये सब 100 चीज करो, लेकिन हम ह्यूमन है ना 100 चीजों के लिए बने नहीं है। हमें ना डिसाइड करना पड़ेगा राइट नाउ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और हमें एक चीज पे ही पूरा घुसना ही पड़ेगा। ये अगेन सेल्फ डिसिप्लिन की बात आ जाती है कि हमें एक चीज पे स्टिक करना, ये भी ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें लग बिल्कुल 10 चीज, हम 10 चीज हम नहीं कर सकते, याद रखो ये चीज, आप 10 चीज में एक साथ अच्छे नहीं हो सकते हो, आपको एक चीज में पहले बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, उसके अंदर एक गोल के ऊपर अपना जो उसके पीछे का अगर आंसर आपका पैशन। मेरे हिसाब से पैशन, जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना ना कि कौन सी चीज आपको सक्सेस अचीव कराने में हेल्प करेगी, मैंने सोचा था एक प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हाँ फर्स्ट हाँ चीज आपने मैंने बनाया, नोटिस करी मैंने ना, देखा था एक पैशन फाइंड करने के लिए जो आपका था। हाँ उसका 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 देखो उसका बताता हूँ। हाँ मैंने पहले क्या सोचा था पता है, मैंने सोचा था कि मैं ना हाउ टू अचीव सक्सेस इसके ऊपर एक कंटेंट बनाऊंगा मैं पूरा, उसमें सब डिटेल में रहेगा कि कैसे आप एग्जैक्टली सक्सेस अचीव कर सकते हो, हर एक स्टेप मैं डालूंगा उसमें। नाउ मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहली चीज जो समझ में आई वो ये थी कि यार आपको आपके पैशन पे काम करना चाहिए। स्टीव जॉब्स बोलते हैं, सदगुरु जी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना बड़े लोग, सब लोग बोलते हैं कि आप अपने पैशन पे काम करो, आप हेल्प करेगी, भले से आपको रिजल्ट जल्दी नहीं दिखेंगे फिर भी आप टिके रह पाओगे। तो जब मेरे को ये चीज समझ में आई तो मैंने पहला चीज स्टार्ट किया पैशन से रिलेटेड काम करना, और मैंने पैशन से रिलेटेड इतना चीजें फाइंड आउट कर दिया था, इतना ज्यादा टाइम मैंने सिर्फ पैशन पे इन्वेस्ट कर दिया कि वो सिर्फ पैशन का एक कोर्स बनकर रहे। और पैशन, क्योंकि मुझे समझ में आया कि पैशन ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मेरे को कोई पूछता है कि मैं कौन से यूट्यूब चैनल बनाऊं, क्या करूं मैं अपनी लाइफ में, तो मैं पूछता हूँ भाई तुझको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, तुम कौन सी चीज में अच्छे हो। अभी उससे रिलेटेड हजारों क्वेश्चन है कि आप कौन सी चीज में अच्छे हो, पैशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज पूरा अलग ही टॉपिक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि आपका पैशन क्या है ना, तो उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना एग्जाम्पल मेरे को लगता है बता सकते हो, आप कौन सी चीज से रिलेटेड कर रहे हो और क्यों आप इतना कर पा रहे हो। बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्टार्ट किया, इंस्टा सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक्चुअल में मैं जब स्कूल टाइम में था 10th क्लास में, तो वहां से मुझे मतलब बहुत क्यूरियस लगता था कि वेबसाइट्स कैसे काम करती है, तो वेब डेवलपिंग के अंदर मैं था। वहां पे स्मॉल स्मॉल स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट करना, तो मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम मिली कि मैंने वेबसाइट डेवलप करी, मैं उस वेबसाइट को मार्केट ही नहीं कर पा रहा था, किसी मतलब पहुंचा नहीं पा रहा था ऑडियंस के पास, ना वो देख पा रहे थे उस चीज को। तो 2017 के अंदर मैंने देखा कि मैं वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ, बट कोई आइडिया नहीं कि इसको मतलब ऑडियंस तक कैसे लेके जाना है। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कि चलो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, कैसे इसको ऑनलाइन प्रमोट किया जाता है। एंड उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट आया कि फिर मैंने वेब डेवलपिंग को साइड कर दिया, एंड इसके अंदर
सीधा डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर काम करने लग गया। तो ये एक्चुअल में स्टार्टिंग से बहुत मजा आता था कि वेबसाइट्स कैसे काम करती है, तो इसीलिए मैं एक्चुअल में ये कह सकता हूँ कि मैं डिजिटली ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि हाँ डिजिटल वर्ल्ड में कुछ करना है। देखो तो स्टार्ट अगेन, स्टार्ट जो तुम्हारा था ना वो भी अगेन पैशन से था। पैशन बेसिकली होता क्या, बहुत सारे लोग पैशन का मतलब ही, पैशन बस कोई एक ऐसी चीज है जो आपको ना दूसरों से थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगा भाई जाके ये बुक पढ़ लो, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये चीज पैसा कमाना सिखाती है ना, तो बहुत बार वो लोग वो बुक पढ़ लेंगे, क्योंकि पैसा कमाना किसी कुछ लोगों का पैशन होता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ये फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। और स्पेसिफिकली कुछ फील्ड हिट होती है लोगों की, कुछ चीजें ना ज्यादा अच्छे से लोग कर पाते हैं, दूसरों से ज्यादा इंटरेस्ट आता है और ज्यादा उस चीज से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, ज्यादा उसके अंदर घुस सकते हैं एवरेज लोगों से, और वही पैशन रहता है। कि आपको अगर मैं बोलूँ कि जाओ वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट बना लो, तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। जिसके अंदर वो बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी ना, वो जाएगा वेबसाइट भी बनाएगा, उसके अंदर पीछे भी देखेगा कैसे काम करती है, 10 चीजें स्टार्ट होती है हर चीज, वो चीज पैशन से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम जो जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाली चीज होती है वो मैक्सिमम टाइम मेरे को लगता है कि पैशन से आती है, कि वो किसी चीज को देख के बिल्कुल उसके डीप में जाके स्टार्ट करते हैं रिसर्च करना कि हाँ ये कैसे काम कर रही है, इसके पीछे अगर ये इमेज आई तो ये कैसे आई, ये सारी चीजें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये उसी पैशन के से ही स्टार्ट होता है। मैंने एक अपने कोर्स में बताया था एक चीज की, पैशन ना आप पार्शली क्रिएट करते हो, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को समझ में आया उसका पैशन है बहस करना, तो बहस करने बहुत मजा आती है, आप उसको बोलो कि दिन भर बहस कर सकता है वो आपसे, वो उसका पैशन, उसको समझ में आया एक चीज ऐसा क्लिक हुई है कि हाँ मेरे को बहस करना पसंद है। लेकिन सिर्फ बहस करके आप पैसे नहीं कमा सकते, उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो, उसको आपको है ना क्रिएट करना पड़ा। अब देखो बहस करना कहाँ काम आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉयर बन सकते हो, अगर आपको बहस करना पसंद है, आप लॉजिकली स्टेटमेंट्स ला सकते हो, तो आप एक लॉयर बन सकते हो। लेकिन लॉयर सिर्फ बहस से नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके अंदर है ना पार्शली आपने डिस्कवर कर लिया, लेकिन पार्शली आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने आप को। तो जैसा कि तुमने क्या किया, तुमने पार्शली एक चीज डिस्कवर किए कि मेरे को ये चीज में इंटरेस्ट है, मैं ये चीज में अच्छा कर सकता हूँ, फिर तुमने पार्शली उस चीज को अपनी से मेहनत करे, और वो भी अगेन पैशन से आता है। मेहनत तभी इंसान कर पाता है जब उसके पीछे का कुछ ऐसा पैशन, एक स्ट्रॉन्ग रीजन रहे जो आपको थोड़ा मूव करने में हेल्प करे। तो तुमने उस चीज के बारे में ज्यादा सीखे, फिर तुमको लगा ये चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें अगेन हर चीज पैशन से आई और तुमने उसको फिर क्रिएट करे, और आज तुमने क्रिएट करके इसलिए तुम आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम क्रिएट भी करते जा रहे हो। एक ये क्वेश्चन है जैसे जॉब वर्सेस बिजनेस, ये मतलब बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि हाँ क्या करे, जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब ढूंढे या बिजनेस स्टार्ट कर दे या इस चीज में इन्फ्लुएंसर मैं मार्केटिंग करे। इस चीज में मैं बहुत बायस्ड हूँ बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है ना जितना ज्यादा एक इंसान बिजनेस करके फ्रीडम अचीव कर सकता है, उतना जॉब करके कभी नहीं कर सकता है। मैंने पर्सनली बिजनेस करने का रीजन देखो, आप जितने भी सक्सेसफुल सबसे बड़े लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं। बस बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर काम कम करना पड़ता है, लेकिन मेरे को लगता है ना बिजनेस जो लोग करते हैं वो लोग के अंदर फ्रीडम बहुत ज्यादा वो लोगों के पास होती है। वो लोग कल को चाहे एक सिस्टम क्रिएट करके किसी और चीज में जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं रहता है। मेरे को लगता है फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आजादीपन जो होता है ना वो बिजनेस में मिलता है। प्लस बहुत एडवांटेजेस है बिजनेस के। बिजनेस जितना आप जॉब में ग्रो कर सकते हो, ठीक है, जॉब में आप बहुत, आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो लीनियर काइंड ऑफ होगी। हाँ ठीक है, कितने साल लगाए आपकी सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बिजनेस ऐसी चीज है ना, हाँ स्टार्ट में शायद से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आप एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो कर सकते हो अगर आपने अच्छा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया तो। आप जेकब जेकब भी जिसको बोलते हैं, सडनली ऐसा ऊपर जाते हो बहुत जल्दी। आप बिजनेस में आप जो जितनी ग्रोथ है उतना जॉब में कभी नहीं मिलेगी, जितनी फ्रीडम बिजनेस में आपको करने मिल सकती है अगर आप अच्छे से सिस्टम स्मार्टली सिस्टम क्रिएट करते हो, वर्किंग इन द बिजनेस नहीं ऑन द बिजनेस काम करके एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करते हो, तो आप जितनी फ्रीडम बिजनेस से अचीव कर सकते हो जॉब से नहीं कर सकते हो। जॉब में आप जब तक काम कर रहे हो तब तक ही पैसे कमा सकते हो, बिजनेस में अगर आप नहीं काम कर रहे हो, आपने अपने बिहाफ किसी को खड़ा कर दिया है जो आपके जैसा अच्छा लीडर है, तो आपका बिजनेस आपके बिहाफ में संभाल सकता है, आप कुछ और चीज पर फोकस कर सकते हो। जॉब में आप अपने, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा काम तू कर ले, एक महीना मेरे को सैलरी दे देना, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े रीजंस है जिसके वजह से जॉब्स, मेरे को जरा भी जॉब पसंद नहीं था, इसलिए मैं कभी जॉब में नहीं गया। मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी, मुझे पता था, और ये बहुत बड़ा मेरा मतलब एक पैशन था, एक रीजन था, स्ट्रॉन्ग रीजन था कि नहीं मेरे को जॉब नहीं करना है, जिसकी वजह से मैं इतनी सारी चीजें ढूंढा, मैंने सर्च किया और मुझे पता चला दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई शुड डू। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मतलब 100-200 क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर देना तो पॉसिबल नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन, आप लास्ट कोई क्वेश्चन ले ऐसे लेते हैं। तीन हाँ बुक रेकमेंड, अब हाँ चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद एक लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेली रूटीन इन योर अर्ली स्टार्टिंग डेज, ये हाँ सीधा केशव शर्मा का क्वेश्चन है। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर ना मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी बहुत अच्छी, कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, मैं बहुत मेस्ट अप था। मैं मेस्ट अप इन द सेंस हर चीज मैं कर रहा था, हर चीज में। तो स्टार्ट में कोई नहीं था मेरे साथ, टीम नहीं थी मेरे साथ, कोई नहीं था। तो पूरी बुक पढ़ना, बुक की समरी बनाना, फिर बुक के एनिमेशन करना, फिर बुक के ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके एडिटिंग करना, फिर उसको सिंक करना है, फिर उसका थंबनेल क्रिएट करना है। इतने सारे काम रहते थे, मेरा कोई टाइम नहीं था। मतलब मैं बस कर रहा हूँ, बस घुसा हुआ हूँ। मैं ना अपनी दोस्ती यारी हर चीज छूट गई थी मेरे से, क्योंकि मेरे को मालूम था ये चीज मैं जो कर रहा हूँ अच्छी कर रहा हूँ। हर चीज हर मेरे लिए अच्छी है, दूसरों के लिए अच्छी, हर एक चीज विन विन, हर जगह से विन विन है। मैं घुस गया था। तो मेरे को ऐसा ना एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं था कि यार मैं यही इतने बजे ही मैं एनिमेशन करूंगा, इतने बजे ही मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करूंगा। हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे टाइम बनाना पड़ता था, क्योंकि मेरा घर छोटा सा था, पतरे वाला घर रहता ना, वैसे पतरे वाला घर था। तो उसके अंदर से ना मैं कैसा होता था सुबह के टाइम पे, और हॉर्न की आवाज ये सब बहुत चैपा चैपा होते, अपने पास स्टूडियो ये सब, स्टूडियो स्टूडियो तो अब भी आया, स्टूडियो सब था नहीं। तो यूजुअली कैसा, मेरे को एक दोपहर का टाइम मिलता था, जब है ना मैं पंखा वंखा बंद करके और अपने अम्मी अम्मी को मैं बोलता, अम्मी दूसरे रूम में जाओ। दो ही रूम थे, तो एक किचन और एक रूम चौल का रूम था हम लोग का। तो मैं एक रूम में करने बोल देता था। दोपहर में कब सबसे ज्यादा कम डिस्टर्बेंसेस होती थी, नॉइज और ये सारी चीजें होती है ना, वो बहुत कम होती थी। तो दोपहर के टाइम में मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था ताकि कर पाऊँ। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बहुत परेशानी होती थी, कोई बच्चा रो रहा है कहीं से, वो बहुत परेशानी, वो स्ट्रगल डेज थे। वो एक सिर्फ एक था ऑडियो का, कि मेरे को ये टाइम पे ऑडियो करना है, बाकी मेरा कुछ टाइम टेबल कुछ भी फिक्स नहीं था। बाकी सब तो मैं कभी 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 कैसा इशू हो जाता था, मैंने कभी एक एक समझो पूरा बहुत मेहनत करके 2 दिन करके एनिमेशंस पूरे बनाए, कुछ ही रीजन की वजह से पूरा उड़ गया। और मुझे संडे को वीडियो डालना है, तो मेरे को पूरा रात भर जाग के करना पड़ता था सुबह सुबह, और संडे को कैसे भी घस घस के मैं डाल देता था। तो स्टार्टिंग में रूटीन रूटीन स्टार्टिंग में ना मेरे हिसाब से नहीं बनती है। अगर आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर लेते हो, अपने लिए अच्छी टीम क्रिएट कर लेते हो, आप एक अलग लेवल पे, थोड़ा ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तब रूटीन ये सारी चीजें ना हेल्प करती है, तब वो चीज आपको सोचना भी चाहिए। स्टार्टिंग में तो यार घुस जाओ यार, जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, इतना सोचो ही मत इस चीज के बारे में कि मेरे को एकदम परफेक्ट रूटीन क्रिएट करना है। हाँ, सुबह जल्दी उठो, ये चीज आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक्स्ट्रा टाइम मिलने के लिए ये एक चीज कर सकते हो, और ये चीज कर लोगे तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। बाकी मैंने स्टार्टिंग में मेरा कोई परफेक्ट रूटीन नहीं था, मैं बस ये बताऊंगा। लेकिन लेकिन मैंने एक चीज समझी है, अगर मेरे को अब इस लेवल पे आने के बाद और आगे जाना है, तो अगर एक अच्छी रूटीन सुबह की मेरी रहेगी ना, तो मुझे आगे ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, ये मत सोचना कि रूटीन की वजह से ही आप बहुत आगे बढ़ते हो, लेकिन इतना है, अगर आप अच्छी रूटीन फॉलो करते हो ना, तो आपको बहुत जल्दी वो चीज, वो जेब का मिलाने में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। स्टार्टिंग में जैसे मैं भी काम करता था, तो स्टार्टिंग में होता था क्लाइंट्स पूछते थे कि तुम कौन से दिन काम करते हो, हम पूरे 7ों दिन काम करते हैं, सुबह शाम हर टाइम काम करते हैं, स्टार्टिंग में वही करना तो पड़ता था, ये स्टार्टिंग में चीजें होती है। परफेक्ट नहीं हो पाता स्टार्टिंग में कुछ भी। सो लास्ट में मैं आपसे बस 3 रेकमेंडेशन चाहूंगा कि 3 कोई बुक ऐसी रेकमेंड करिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई भी 3 बुक जो आपकी फेवरेट हो, जो मतलब पढ़ के लोग मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं बुक रीडिंग की। ठीक है, तो मैं जैसे मेरी जर्नी जिससे स्टार्ट हुई थी, एक रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, एक थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ लो। ये बहुत ही इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, आई थिंक ये प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे ना, आप पक्का लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। इसमें कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, मुझे लगता है। चाहे हम कितने भी आगे एडवांस एज में पहुंच जाए, फिर भी जो इसके प्रिंसिपल्स है ना, मुझे लगता है वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से है। जैसे कि सबसे पहले आपका एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर, आप एकदम एकदम शिद्दत वाला जो डिजायर होता है ना, कि नहीं मेरे को ये चीज करनी ही है। जब वो डिजायर आपके अंदर आता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप खुद से रास्ते ढूंढ लेते हो। वो रास्ते ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद सर्च करते हो और ढूंढ लेते हो रास्ते। तो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। इसके अंदर एक चीज बताइए कि गोल्स होना चाहिए आपके, आपको पता होना गोल चाहिए एग्जैक्टली मुझे क्या चीज अचीव करनी है, कब तक अचीव करनी है। अगर आप 6 स्टेप बताए हुए, इसमें 6 स्टेप अगर आप वो फॉलो करोगे, तो एग्जैक्टली आप कर सकते हो। परसिस्टेंसी हो गया, इमेजिनेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ऐसी कई बहुत सारे ग्रेट ग्रेट पॉइंट्स है इस बुक के अंदर, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। थर्ड बुक मैं चाहूंगा ना, कि मैं नहीं कोई रिकमेंड करूंगा, थर्ड बुक मैं चाहता हूँ कि आप सर्च करो, आप जाके सोचना कि मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में। मुझे समझो, मुझे बिजनेस बिजनेसमैन, मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मुझे अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, मुझे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। जो भी चीज पे आपका सबसे ज्यादा फोकस है राइट नाउ, आप गूगल करो, ये बहुत अच्छी चीज आपको करनी चाहिए। खुद से पता करो, सर्च करो टॉप 10 बुक्स ऑन बिजनेस,
ये चीज सर्च करो, उसमें से आप देखो जो भी बुक आपको बेस्ट लगती है वो आप सिलेक्ट करके पढ़ो। अगर जब आप सर्च करके पढ़ोगे, आप खुद से रीजन निकालोगे कि क्यों मुझे पढ़ना चाहिए, तो ज्यादा चांस है ये पढ़ लो। आप खुद से रीजन निकालो और उसको बुक को पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू, एंड जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो सीकेन को सब्सक्राइब कर लेना है, या और जो आई एम सीकेन यूजर नेम है इनका इंस्टाग्राम को, तो वहां पे भी जो है फॉलो कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। रील्स आजकल बहुत एक्टिवली रील्स मैंने देखा है, रील्स शेयर करते हैं शॉर्ट शॉर्ट 30 सेकेंड्स में, काफी वैल्यूएबल, तो उसके लिए जो है फॉलो कर सकते हो। एंड अभी जितने भी लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में शेयर करके टैग करोगे, तो मैं पर्सनली ट्राई करूंगा, मैक्सिमम लोगों को जो है फ्री प्रोफाइल ऑडिट दूंगा। सो वो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके टैग कर सकते हो आई एम सी कैन यूजर नेम जो है उनको। सो थैंक यू मैं सो मच, मैक्सिमम लोगों को दूंगा। तो आपसे थैंक यू सो बात मच करके यार। बहुत मजा आया, एंड काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है आपने दिया। सो इस वीडियो को मैं रील्स में वो IGTV में शेयर करूंगा, ताकि कोई बाद में जो है देखना चाहे सो वो भी उस चीज को देख सकता जरूर, है। मैं भी कर दूंगा इस पर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू बाय बाय थैंक यू सो बाय मच, बाय। थैंक यू। बाय।